आप सभी को साल का लास्ट दिन और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप 2020 में ढेर सारी खुशियां मनाएं, एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ, अपनों के साथ। मैं आप लोगों के साथ छोटा सा रेसिपी शेयर करने वाली हूं, चिकन बटर मसाला रेसिपी। बहुत ही इजी और सिंपल है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कंचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं चिकन बटर मसाला रेसिपी, तो आप नए साल में इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। तो उसके लिए मैंने लिया, यहाँ पे मैंने लिया है 700 ग्राम चिकन। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके उसका पानी निकाल लिया है, और एक मिक्सिंग बाउल में मैं चिकन को लूँगी और इसमें ऐड करूँगी नींबू का रस। तो मैंने एक नींबू का रस ऐड किया है। नींबू का रस ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो हाफ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है, और मैंने यहाँ पे एक टी स्पून लिया है मलाई। घर का जो मलाई दूध से हम लोग निकालते हैं उसी को मैंने फेंट के लिया है। और फिर एक टी स्पून लेंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन सबको हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिलाकर मैरिनेट करेंगे। तो इन सारे को चिकन में अच्छी तरह से मिलाकर हम चिकन को रेस्ट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे ढककर, ताकि जो चिकन में हमारा जो स्वाद है, जो अदरक लहसुन और नमक का जो टेस्ट है, वो थोड़ा अंदर तक जाए। तो इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, और तब तक हम बाकी की तैयारियां करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक गैस पे चढ़ा दिया है लोहे की कढ़ाई। इस पे मैंने डाला है एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, और सरसों के तेल में ही मैं मक्खन का छोटा सा टुकड़ा ऐड कर दूँगी। मक्खन पिघल जाने के बाद इसमें मैं डालूंगी खड़े मसाले। तो खड़े मसाले को ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम मिला लेंगे खड़े मसाले को। फिर इसमें हम डालेंगे प्याज। तो मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह लंबे में काट लिया है। प्याज को हम हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे, और इसमें फिर हम डालेंगे ग्रीन चिल्ली। तो यहाँ पे चार मैंने हरी मिर्च डाल दिए हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब हम ऐड कर देंगे यहाँ पे टमाटर। यहाँ पे मैंने डाला है दो मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, और प्याज और टमाटर को हम अच्छी तरह मिलाकर फ्राई करेंगे। तो प्याज टमाटर हमारा लगभग फ्राई हो चुका है। इसमें मैं और स्वाद के लिए डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे मैंने अलग से लहसुन पेस्ट डाला है कूट के, ताकि जो लहसुन और अदरक का टेस्ट है वो हमें निखर के आए। कि रेडीमेड जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है उसमें वो टेस्ट नहीं रह जाता है जो आप कूट के डालते हैं उसमें। तो अदरक लहसुन को हम अच्छी तरह से प्याज टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें नमक। तो मैंने यहाँ पे फिर हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला हुआ है। नमक को भी हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, और हल्दी को भी हम प्याज टमाटर के साथ इस तरह मिला लेंगे। तो प्याज टमाटर हमारा लगभग फ्राई हो चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसी कढ़ाई में हम फिर से दोबारा तेल लेंगे, और छोटा सा टुकड़ा डालेंगे बटर का। बटर पिघल जाने के बाद इसमें मैं डालूंगी एक तेज पत्ता का टुकड़ा। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो हमने यहाँ पे ऐड किया दिया है मैरिनेट किया हुआ चिकन, और चिकन लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। मेन काम है हमारा फ्राई करना। चिकन को हम जितना फ्राई करेंगे उतना ही टेस्ट इसमें आएगा। तो हमें लगभग लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें 15 से 20 मिनट चिकन को फ्राई करना है। तो इस तरह मिलाते हुए हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा सिर्फ फ्राई करने में ही टाइम लगता है, बाकी इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो नए साल में ये ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ा सा नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून जितना।
हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक ऐड कर दिया है और इसको भी फिर मिला लेंगे। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पाउडर मसाले। तो पाउडर मसाले में मैं डालूँगी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, एक टी स्पून धनिया पाउडर और यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। और इन सबको भी मिला के हम फ्राई करेंगे चिकन के साथ। और ये जो पाउडर मसाले हैं इनको आप अलग से एक कटोरी में लेकर पानी के साथ घोल बनाकर आप ऐड कर सकते हैं, तो उससे जो होता है मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और चिकन में मिलने में टाइम नहीं लगता। तो मैंने डायरेक्ट चिकन में ऐड किया है, तो उसको मैं इसी तरह धीरे धीरे मिलाते हुए फ्राई करूँगी। और मसाले अगर नीचे से लटकने लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो जब तक चिकन फ्राई हो रहा है तब तक हम यहाँ पे टमाटर और जो प्याज का हमने मिक्सर रेडी रखा है ठंडा होने के लिए दिया, उसको मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये पेस्ट रेडी है तो मैं चिकन को फिर थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई कर लेने के बाद ये जो हमारा पेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ मसाला, मिक्सी में पिसा हुआ मसाला मैंने ऐड कर दिया है। और मसाले के साथ फिर हम चिकन को 7-10 मिनट तक इसी तरह लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर मसाला नीचे से लटकने लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और फिर फ्राई कीजिए। तो मसाला हमारा लगभग फ्राई हो, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है मिक्सी में ही डाल के, जो मिक्सी में थोड़ा सा मसाला लटक के रहते हैं तो उसी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया और चिकन में ऐड किया है। और फिर पानी डाल के मैं चिकन को और 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। तो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, मसाला भी अच्छी तरह से पक गया है। तो फिर मैं फाइनली इसमें पानी डालूँगी। आप अपना ग्रेवी जितना डाल सकते हैं, और अगर आप देख सकते हैं चिकन कितना हमारा पकने में बाकी है उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 कप जितना पानी ऐड किया है। और पानी ऐड करके हम यहाँ पे ढक कर इसको 5-7 मिनट के लिए उबलने के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि चिकन में पानी है या नहीं। अभी पानी है थोड़ा सा, तो फिर से इसको हम ढक कर और 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 मिनट के बाद यहाँ पे ढक्कन हटाया और देख सकते हैं चिकन का कलर बहुत ही अच्छा और टेस्टी देखने में ही लग रहा है। तो यहाँ पे इसको हम मिला लेंगे। और आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे बटर और धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर सकते हैं। और इसको गर्मा गर्म आप रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं। तो ये था हमारा बटर चिकन मसाला रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और नए साल में आप इंजॉय कीजिए बटर चिकन मसाला। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई होप नया साल 2020 आप लोग के लिए बहुत ही खुशनुमा हो, बहुत सारी खुशियां आप लोग को मिले। तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।